सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। बात बोलेगी कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक नई कहानी लेके हाजिर हैं और ये कहानी गांधी के तीसरे बेटे रामदास गांधी के साथ की जुड़ी हुई है। रामदास उस दौर में बच्चे थे जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी टॉलस्टॉय फॉर्म स्थापित कर रहे थे, तो रामदास सबसे सबके दुलारे थे। जो बच्चे को खिलाने वाली उम्र होती है उसमें वही थे, और कैलेन बाख जो गांधी के दोस्त थे और जिन्होंने टॉलस्टॉय फार्म के लिए ज़मीन से लेके काफ़ी कुछ दिया था, उनके वो खास दुलारे थे। तो रामदास जो भी गांधी कहते रहे करते रहे, सारे प्रयोग उन पे हुए, शिक्षा से लेके बाकी सब चीज़ों का, लेकिन उनको अतिरिक्त स्नेह मिलता रहा गांधी का ज़रूर और गांधी के दोस्तों का। दक्षिण अफ्रीका के बारे में ये कहानी है कि रामदास की जेबें जो है, बच्चे रामदास की जेबें लगातार ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली से भरी रहती थी। दिन भर वो अपना खाते पीते घूमते रहते थे, देखने में सुंदर काफ़ी। बाद के दिनों में गांधी के अलग अलग आंदोलनों में लगने के बाद उनको जब अपने बाल बच्चे हुए तो उनको ये लगा कि हमको काम करके गांधी पे बोझ नहीं बनना चाहिए, आश्रम पे बोझ नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने टॉमको की नौकरी कर ली थी, 12 साल वो वहाँ मैनेजर रहे, और उस दौरान उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से की कराई, अपना जीवन भी ठीक से जिया। नागपुर में रहते थे और नागपुर हम सब जानते हैं वर्धा के पास है, तो बाद की गतिविधियों का सेंटर एक तरह से जब 42 के बाद गांधी ने वर्धा छोड़ दिया था, तब वो एक गतिविधियों का सेंटर उनका घर भी हो गया। सब जो वहाँ आते थे वर्धा, वो सब उनसे मिलने जाते थे और सबका सत्कार वैसे ही होता था। रामदास जब आखिर में काफ़ी बीमार पड़े, तब की ये कहानी है, बीमार पड़े और उसके बाद नहीं बचे, उस दौर की ये कहानी है। और उस दौर की कहानी ये है कि उसी बीमारी की हालत में जब वो एकदम बेहोशी जैसी हालत में रहते थे, ये भी कहा जाता है कि उनके बचपन की भाषा अंग्रेज़ी थी दक्षिण अफ्रीका में रहने के चलते, तो इस दौर में बीमारी के इस दौर में उनको बाकी भाषाएँ भूल चुके थे, उनके मस्तिष्क की हालत ये थी, तो वो सिर्फ अंग्रेज़ी बोल पाते थे। उस दौर में अस्पताल में जब वो थे तो अस्पताल में उनकी बेटी सुमित्रा कुलकर्णी वो ड्यूटी कर रही थी, पिता की देखरेख कर रही थी। तभी अचानक दो लोग वहाँ आए, एक सज्जन अधेड़ उम्र वाले और दूसरे उनके साथ एक लड़की थी, और उन दोनों ने जिद की कि हमको उनसे मिलवा दीजिए। सुमित्रा इस मूड में नहीं थी कि किसी को भी मिलने दें, क्योंकि उससे डिस्टर्ब होते थे रामदास और उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो किसी को मिलवाने देना नहीं चाहती थी। लेकिन उस लड़की ने जिद की और कहा कि ये गोपाल गोडसे हैं। सुमित्रा को गोपाल गोडसे का नाम मालूम नहीं था और कौन गोपाल गोडसे हैं ये भी मालूम नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं तो इनको नहीं पहचानती, मैं इनको कैसे मिलवा दूँ। तब भी वो जिद करती रही कि इनको मिलवा दीजिए, और फिर उसने परिचय खुद से दिया। ये गोपाल गोडसे वही थे जिनको गांधी की हत्या का आरोप उन पे था, और गांधी की हत्या में उनको 20 साल की सज़ा हुई थी। वो 20 साल की सज़ा काट के निकले थे तब की ये घटना है, तो गोपाल गोडसे उनसे मिलने को बेचैन थे। गोपाल गोडसे को ही की पत्नी को ही नाथूराम गोडसे का बीमा मिला था। गांधी के बीमा की कहानी एक दिन हम लोगों ने चर्चा उसकी की थी। नाथूराम गोडसे ने भी गांधी हत्या के पहले, क्योंकि उनको मालूम था कि हत्या के बाद पता नहीं मैं पकड़ा जाऊं मारा जाऊं क्या होगा, इसका भरोसा नहीं था, तो उन्होंने बीमा कराया था, तो नाथूराम गोडसे के बीमा का पैसा भी गोपाल गोडसे की पत्नी को मिला था। तो ये वही परिवार है, और गोपाल गोडसे ने बाद में काफ़ी चीज़ें लिखी और काफ़ी चर्चा में भी रहे, जिसमें ये भी था कि गांधी की हत्या क्यों की गई। उनको और उनके भाई को अदालत में काफ़ी लंबी अपनी सफाई देने का अवसर मिला, जिसके भाषण को आज काफ़ी लोग पसंद करते हैं, काफ़ी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आज गांधी के विरोध वाला माहौल भी एक अपने यहाँ बनता जा रहा है। लेकिन ये कहानी इसी कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण है कि गोपाल गोडसे जब वहाँ आए तो फिर उन्होंने उनकी बेटी ने परिचय दिया सुमित्रा जी को, और सुमित्रा जी फिर उसके बाद उनको लेके गईं रामदास से मिलवाने।
रामदास गांधी को जब ये कहा गया कि गोपाल गोडसे आए हैं मिलने, तो उन्होंने आँख खोली और हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इसके बाद फिर उन्होंने आँख बंद कर लिया और ये सज्जन भी इन्होंने उनको नमस्ते किया और बाहर आ गए। और बाहर आके उन्होंने सुमित्रा से कहा कि आपको ठीक मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया है और ये आदमी क्या है। मेरे ख्याल से ये आदमी महात्मा गांधी से बड़ा है अपने आचरण से और अपनी सोच से। सुमित्रा ने कहा ऐसा क्या कर दिया इन्होंने, क्योंकि हमारे लिए तो गांधी ही सबसे बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वही आदमी हैं जिन्होंने हम सब लोगों की गिरफ्तारी के बाद लगातार ये कोशिश की कि हमको किसी किस्म की सज़ा न हो और हमको माफ़ कर दिया जाए, नाथूराम गोडसे मुझे और करकरे सारे लोगों को माफ़ कर दिया जाए। इसकी कोशिश लगातार इसी आदमी ने की, क्योंकि इनका मानना था कि हमको सज़ा मिलना और फांसी मिलने का मतलब ये है कि हम गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं। गांधी में माफ़ी का, करुणा का एलिमेंट काफ़ी बड़ा है और अगर हम इनको माफ़ करेंगे तो आगे से इस किस्म की हत्याएं होने में और इस किस्म की हिंसा होने में रोक लगेगी। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये आदमी गांधी से बड़ा है। खैर, सुमित्रा इस चीज़ को नहीं मान सकती थी और वो सज्जन तुरंत वहां से चले गए। लेकिन पटेल को लिखी रामदास जी की चिट्ठियां आज भी हैं और वो ये बताती हैं कि अपनी ओर से सचमुच उन्होंने गांधी के हत्यारों को माफ़ी देने की कोशिश भरपूर की थी। हम सब जानते हैं कि ये दौर बीता, हत्या, उसके बाद नाथूराम गोडसे को फांसी और जो आजीवन कारावास वाले थे वो लोग बाहर आए। इसके बाद फिर उन्हीं सज्जनों का व्यवहार कैसा हुआ, उन्हीं लोगों ने क्या क्या लिखा गांधी के खिलाफ उस हत्या के पक्ष में, और आज ये चीज़ें भी कई लोग मानते हैं कि ये बहादुरी का काम था और गांधी हत्या भी नहीं, गांधी वध वो बोलते हैं ऐसे लोग, उनके पुतले पे गोली मारना, ये सारी बहादुरी मुल्क में होने लगी है, गोडसे की मूर्ति बनने लगी है। ऐसे में रामदास के इस व्यवहार को, गांधी के तीसरे पुत्र के इस व्यवहार को, रामदास ने ही कस्तूरबा का अंतिम संस्कार किया था, पिता के अंतिम संस्कार के समय भी वही थे आगे। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि गांधी का परिवार क्या था। गांधी के परिवार में सिर्फ गांधी नहीं थे, गांधी जैसे या गांधी से कमतर गांधी भी उन्होंने पैदा किए और उनका व्यवहार सारे गांधीवादी सिद्धांतों पे काफ़ी ऊंचा रहा, जिसमें गोडसे को माफ़ करने की वकालत करना भी अपनी जगह है। हमने देखा है बाद में इस किस्म की माफ़ी की पैरवी कई तरफ हुई, इवन राहुल गांधी की तरफ से और उनकी बहन प्रियंका की तरफ से अपने पिता के हत्यारों को, राजीव गांधी के हत्यारों को माफ़ी की वकालत की गई, वो वकालत भी नहीं मानी गई है अभी तक। लेकिन गांधी की हत्या के बाद जो माहौल था उसमें कोई आदमी खड़े होकर ये कहे कि मेरे पिता के हत्यारों को फांसी देना और सजा देना उनके सिद्धांतों के खिलाफ, उनके आचरण के खिलाफ होगा, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज की कहानी इतनी ही, अगली बार मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ।